नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं एबी गुरुजी चैनल। और दोस्तों आज आपके लिए एक इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं जिसमें मैं आप लोगों से 10 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करूंगा जिसको देखने के बाद में दोस्तों आप लोगों का जो नजरिया है नेट को देखने का वो पूरे तरीके से चेंज हो जाएगा और जो आपका आने वाला नेट का एग्जाम है उसे आप और अच्छे तरीके से दे पाएंगे, आपके परफॉर्मेंस जो है वो और अच्छे तरीके से उभर कर सामने आएगी। तो दोस्तों मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा बड़े ही ध्यान से, मुझे उम्मीद है आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद आएगी। दोस्तों इस वीडियो में मैंने आप लोगों से 10 इंपोर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने हैं। यहाँ पे दोस्तों बिना टाइम का बर्बाद किए हम वीडियो को शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है दोस्तों हमारे पास में ईडब्ल्यूएस का। अभी हाल ही में रिजल्ट आया है जून 2019 का। काफी स्टूडेंट्स के लगातार मैसेज आ रहे थे कि सर हम भी ईडब्ल्यूएस के अंदर आते थे तो हमने तो ईडब्ल्यूएस में भरा नहीं था, तो क्या दिसंबर में अब जो एग्जाम होगा उसमें हम ईडब्ल्यूएस भर लें। तो दोस्तों यहाँ पे इसका आंसर मैं अभी नहीं दे सकता हूँ क्योंकि दोस्तों ईडब्ल्यूएस को लेके अभी काफी अवेयरनेस आ चुकी है। और ईडब्ल्यूएस का कंट्रोवर्सी में क्यों आई है, खासतौर पे यही कारण कह सकते हैं कि ईडब्ल्यूएस की जो मेरिट है वो बहुत कम गई है। कॉमर्स के अंदर अगर बात करें तो 8% जितना डिफरेंस हमें जनरल की मेरिट और ईडब्ल्यूएस के मेरिट में देखने को मिला है। इकोनॉमिक्स में 10% जितना डिफरेंस देखने को मिला। तो ऐसे में स्टूडेंट्स ये अनुमान लगा रहे हैं कि दिसंबर में भी ईडब्ल्यूएस की मेरिट जो है वो कम जाएगी, ऐसे में वो भी ईडब्ल्यूएस के अंदर भर लें। और ईडब्ल्यूएस के अंदर जो क्राइटेरिया है वो मैंने आपको वीडियो में पहले बता दिया है, ऊपर जो आई बटन है उस पर क्लिक करके आप लोग भी देख लीजिए अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है कि कौन कौन AWS में आते हैं, तो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। खैर तो अभी के लिए इस क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं दे सकता हूँ। ये मैंने इसलिए इंक्लूड किया था क्योंकि लगातार व्हाट्सएप पे मेरे पास मैसेज आ रहे थे स्टूडेंट के कि दिसंबर में जो एग्जाम होगा उसमें हम AWS भर देंगे, तो वो आंसर तो अभी नहीं है। खैर मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया आप लोगों को अवेयर करवाने के लिए कि आप अगर AWS नहीं देखा है आपने तो आप जरूर देखिएगा। यहाँ पे दोस्तों दूसरा पॉइंट हमारे पास में लेवल ऑफ एग्जाम का। दोस्तों पहले हम पहली क्लास में होते हैं, फिर दूसरी क्लास में होते हैं, फिर तीसरी में, फिर चौथी में, फिर पांचवी में। दोस्तों हर क्लास के अंदर हमें मैथ का सामना करना पड़ता है। तो मैथ के अंदर दोस्तों क्या होता है कि पहली क्लास के अंदर थोड़ी सी ईजी होती है, दूसरी में थोड़ी सी टफ, तीसरी में और टफ, चौथी में और टफ, पांचवी में और टफ। इस तरीके से जैसे जैसे हम क्लासेज आगे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे जो मैथ है वो टफ होती जाती है या जो एजुकेशन का लेवल है वो थोड़ा थोड़ा टफ होता जाता है। ऐसे ही दोस्तों नेट के लिए जो है वो एक पर्टिकुलर लेवल पर नेट काम करता है। आपके लिए पेपर वन के अंदर काफी सारे प्रैक्टिकल टॉपिक जुड़े हुए हैं, अगर आपका पेपर टू भी प्रैक्टिकल है तो उसके अंदर काफी सारे प्रैक्टिकल टॉपिक हमें देखने को मिलते हैं। हम यहाँ पे पेपर वन की अगर बात करते हैं तो काफी सारे टॉपिक प्रैक्टिकल हैं, उसमें दोस्तों फ्रैक्शन है, रेशो है और एवरेज है, PNL है, नंबर सीज है, तो यहाँ पे प्रैक्टिकल टॉपिक इतने सारे हैं। अब यहाँ पे हम लेवल की बात कर रहे हैं तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि नेट के अंदर इन सब टॉपिक के मॉडरेट लेवल के और या फिर लोअर लेवल के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। आप लोगों से अपर लेवल के क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं पूछे जाएंगे। अपर लेवल के क्वेश्चन का मतलब यह है कि जो SSC के अंदर, SSC CGL के अंदर, बैंक्स वगैरह के अंदर पूछे जाते हैं उस लेवल के क्वेश्चन आपको नेट में देखने को नहीं मिलते। ऐसे में काफी सारे यूट्यूबर, दोस्तों एक कड़वी सच्चाई मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, मैं कोई सर नहीं हूँ, मैं आपके जैसा एक स्टूडेंट ही हूँ, तो आप लोग बिल्कुल भी मुझे सर मत समझिएगा, मैं आपका दोस्त ही हूँ। आप जैसा ही मैं एक स्टूडेंट था किसी टाइम पे, मैंने भी नेट के एग्जाम को जब देना चाहा था काफी मेरे साथ परेशानियां हुई थी कि कोचिंग नहीं थी वगैरह नहीं थी, खैर वो सब मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। अभी के लिए आपको बता देता हूँ कि मैं आपका दोस्त हूँ और मेरी बात आप ध्यान से सुनो। नेट के जो लेवल है वो मॉडरेट लेवल है और काफी सारे यूट्यूबर ऐसे हैं जो आपको टॉपिक करवाते हैं, ठीक है। मान लो किसी यूट्यूबर ने आपको फ्रैक्शन करवा दिया, ठीक है, फ्रैक्शन करवा दिया। अब उस फ्रैक्शन को समझाने के बाद में उसने आपको क्वेश्चंस करवाए, दो चार पांच क्वेश्चंस करवाए, आपने कर लिए, आपने कहा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। उसके बाद में वो आपको एक क्वेश्चन करवाएंगे, उसमें वो आप लोगों को कहेंगे कि आप इसे सॉल्व करके दिखाओ। अब वो क्वेश्चन ना वो टफ होगा, वो आपसे सॉल्व नहीं होगा, फिर वो क्या करेंगे, वो आपको इसको सॉल्व करके दिखा देंगे। आप कहोगे वाह भाई वाह, क्या बात मैडम, आपने बहुत बढ़िया तरीके से सॉल्व कर दिया मैडम या सर। उसके बाद में वो अपनी चाल चलनी शुरू करेंगे, वो क्या कहेंगे कि हमने जो अभी तक आपको जो सोल्व करवाए हैं क्वेश्चन, जो सिंपल क्वेश्चन थे, वैसे क्वेश्चन नेट के अंदर नहीं पूछे जाएंगे। जो मैंने लास्ट में आपको क्वेश्चन करवाया ना टफ वाला, वैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और वैसे क्वेश्चन अगर आपने करना है तो हमारा कोर्स परचेज कर लो। तो इस तरीके से वो आपको डराने का प्रयास करेंगे कि अगर आपने हमारा कोर्स परचेज नहीं किया तो आप नेट को भूल जाओ। दोस्तों मैंने भी वो सब वीडियोस देखी हुई हैं क्योंकि मैं भी आपकी तरह स्टूडेंट ही था। मैंने बिना कोचिंग के नेट के एग्जाम को क्लियर किया है 4 बार, तो आप मेरी बात सुनोगे कि नहीं सुनोगे।
हाँ जी सर, बिल्कुल सुनेंगे, क्योंकि आपने भी 4-1 NET के एग्जाम को क्लियर किया है जॉब को कंटिन्यू करते हुए। मैं अभी के लिए दोस्तों आप लोगों को बता दूं, इनकम टैक्स असिस्टेंट और ऑडिट असिस्टेंट की वर्किंग करता हूं। यहाँ पे ये जो वीडियोस बनाने का काम है ना, ये सिर्फ आप जैसे स्टूडेंट्स की मदद करने के लिए करता हूँ। मेरे को इससे किसी भी तरीके का कोई फायदा नहीं है। अभी मैं जॉब में हूँ और 4 बार NET को क्लियर कर चुका हूँ, और जो मेरा एक्सपीरियंस है वो इस वीडियो में मैं आप लोगों से शेयर करूंगा। नेट का जो लेवल है वो मॉडरेट और लोअर लेवल के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन के, प्रैक्टिकल टॉपिक्स के। ऐसे में आप ऐसे यूट्यूबर से बचिए जो आपको अपने कोर्स बेचने का प्रयास करते हैं, जो सिर्फ आप लोगों को डराते हैं। किसी भी तरीके के कोर्स को परचेज करने की जरूरत नहीं है। मैंने बकायदा आप लोगों के लिए नेट के लेवल के क्वेश्चंस को इंक्लूड करते हुए प्लेलिस्ट बना रखी है, ठीक है, पेपर 1 की भी और पेपर 2 कॉमर्स की भी। तो आप लोग उन प्लेलिस्ट का फायदा उठाइए। उन प्लेलिस्ट के अंदर जो प्रैक्टिकल टॉपिक है उसमें मैंने 5 मिनट तक आप लोगों को बताया है। 5 मिनट तक क्यों बताया सर? क्योंकि 5 मिनट में ही आप लोगों को नेट के लेवल का कवर हो जाएगा। दोस्तों आगे एक पॉइंट आएगा सिलेबस को लेके, उसमें मैं आपको और अच्छे तरीके से बताऊंगा कि क्यों 5 मिनट के अंदर करवाया। अभी के लिए आप उन प्लेलिस्ट को जरूर देखिए, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में जाके नेट के लेवल के लिए जितना जरूरी है वो सब मैंने उस वीडियो में बताया हुआ। तो आप लोग एक बात समझ लीजिए कि नेट का जो लेवल है वो मॉडरेट और लोअर लेवल है प्रैक्टिकल क्वेश्चन के लिए। तो आप लोग ऐसे कोर्सेज को बिल्कुल भी परचेज मत कीजिएगा जो आप लोगों को डराने के उद्देश्य से बनाए गए हैं कि आप इन कोर्सेज को परचेज करो। इनके अंदर इतने टफ क्वेश्चन डाले गए हैं जैसे आपको कहीं भी यूट्यूब पे नहीं देखने को मिलेंगे। तो ऐसे में आप कोर्सेज बिल्कुल भी परचेज मत कीजिएगा, ये मैं आप लोगों को राय दे रहा हूं। मैंने 4 बार किए, ये मैं अपने मुंह मियां मुठ्ठी नहीं बन रहा, ये मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा, इससे मुझे कुछ भी नहीं मिलने वाला। मैं आप लोगों को एक प्रोत्साहन देना चाहता हूं कि मैं अगर जॉब को कंटिन्यू करते हुए सिर्फ रात को 3 या 2 घंटे की स्टडी करके नेट के एग्जाम को पास कर सकता हूं, तो आप भी बिल्कुल कर सकते हो। आप मुझसे ज्यादा समझदार हो, आप मुझसे ज्यादा नॉलेज वाले हो। यहाँ पे दोस्तों तीसरा पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं सिलेबस के बारे में। दोस्तों पेपर 1 को अगर आप लोग देखें तो उसके अंदर फ्रैक्शन है, एवरेज है, PNL है, डाटा इंटरप्रिटेशन है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, वेन डायग्राम है, स्क्वायर ऑफ अपोजिशन है, हायर एजुकेशन है, पॉलिटी है, इतने सारे टॉपिक्स इसके अंदर इंक्लूड कर रखे हैं। और अगर आप एक एक टॉपिक को डीपली करने लग जाओ ना, तो 3 महीने आप लोगों के इस सिलेबस को कवर करने में लग जाएंगे। ये तो उस चीज में लग जाएंगे कि आपको ये टॉपिक पता लग गया कि टॉपिक है क्या। अब आप प्रैक्टिस करने लग जाओ तो कहने ही क्या। पेपर 2 तो अभी इंक्लूड ही नहीं किया, अब पेपर 2 की बात कर लेते हैं। बाकी सब्जेक्ट्स का तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं यहाँ पे कॉमर्स की बात जरूर कर सकता हूँ। कॉमर्स के अंदर तो कहने ही क्या, इतने सारे टॉपिक्स इन्होंने ऐड कर रखे थे ऑलरेडी, और अब जो नया सिलेबस आ गया था उसमें इन्होंने लॉ को भी जोड़ दिया। तो भैया अब तो कहना ही क्या, इतना वाइड सिलेबस हो चुका है, इतना वाइड सिलेबस कि 1 साल लग जाएगा उस सिलेबस को करने में। अब यहां पे 5 महीने पेपर 1 के, 1 साल पेपर 2 का, तो हमारे पास में अप्रोक्सीमेटली 1.5 साल सिर्फ इसको पढ़ने में लग गया, मोटा मोटा अगर हम लोग बात करें तो। इसमें मैंने क्या कहा कि हर टॉपिक को आप लोग डीप नॉलेज के साथ में पढ़ रहे हैं, इसलिए 1.5 साल लग रहा है, ठीक है। तो 1.5 साल अगर मान लो आपने लगा दिया, उसके बाद में आपके दिमाग में क्या आएगा कि मैंने 1.5 साल इन्वेस्ट किया है, अब कोई भी क्वेश्चन आए वो बिल्कुल सही होना चाहिए। यानी आप नेट का एग्जाम देने जाओगे तो आपके 100 में से 100 मार्क्स आने चाहिए। क्या आप इस चीज की गारंटी देते हो? नहीं दे सकते। क्या आप 70 की भी गारंटी दे सकते हो? बिल्कुल भी नहीं दे सकते, नहीं दे सकते 70 की भी गारंटी। 1.5 साल इन्वेस्ट किया, जो 1.5वें साल यानी कि आपने 1 साल 6 महीने इन्वेस्ट किए, 6वें महीने की 30 तारीख को मैं आपसे पूछूं कि आपने जो साल के शुरुआत में पहले दिन पढ़ा था वो आप बता सकते हो? आप बोलोगे याद ही नहीं है सर। तो ऐसे में 1.5 साल इन्वेस्ट करना आपके लिए बेकार हो जाएगा। उसके लिए आपको स्ट्रेटजी के तहत पढ़ना पड़ेगा। वो स्ट्रेटजी क्या हो सकती है मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए आपने एक टॉपिक देखा, कॉमर्स की बात करते हैं, चलो कॉमर्स नहीं पेपर 1 की बात करते हैं, हायर एजुकेशन, ठीक है, हायर एजुकेशन एक टॉपिक देखा। अब ये टॉपिक है क्या, इसको आपने जानना है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ये जो टॉपिक है वो क्या है। उसको जानने के लिए आप क्या करोगे, आप यूट्यूब पर आओ,
मैं ये नहीं कहता कि आप मेरे ही चैनल की वीडियो देखो, आप YouTube के अंदर हायर एजुकेशन देखिए, उसके रिगार्डिंग आपको जो भी बढ़िया वीडियोस लगे उसे आप अपने पास में सेव कर लीजिए। सेव करने का मतलब आप वॉच लिस्ट के अंदर उसे डाल लीजिए, जब भी आपके पास टाइम हो हायर एजुकेशन को आप खोलिए, उन सब वीडियोज को आप लोग देख लीजिए। खास तौर पर मैंने आपके लिए पेपर वन की प्लेलिस्ट बना रखी है, अगर आप चाहते हैं तो आप उसको देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है। तो यहाँ पे हम हायर एजुकेशन की बात कर रहे थे, आपने YouTube पे उसकी वीडियो देख ली, आपको पता लग गया कि हायर एजुकेशन क्या चीज है। अब आपने क्या करना है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पे जाना है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पे क्यों जाना है, क्योंकि आपका जो एग्जाम है वो ऑब्जेक्टिव टाइप है। ऐसे में आप अरिहंत की बुक उठाइए, काफी समय पूछ रहे थे कौन सी बुक से तैयारी करें, तो मैं आपको बताऊं बुक का कोई मायना नहीं होता। मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, मैं आपको मेरी बुक दिखाऊंगा तो आप हंसने लगोगे, सर आपने इस बुक से पास कर लिया एग्जाम को। हाँ, बुक का कोई खास मायना नहीं होता, आपका जो इंटेलेक्चुअल लेवल है वही आपको नेट को एग्जाम को पास करवाता है। यहाँ पे आप अरिहंत की बुक ले सकते हैं, ट्रू मैन की बुक ले सकते हैं, या कोई भी प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट वाला जो नेट की कोचिंग करवाता है उसके क्वेश्चन उठा लीजिए। हायर एजुकेशन के हर टॉपिक के लिए आप बेसिकली ऐसे कीजिए, हायर एजुकेशन तो एक एग्जाम्पल है, तो उसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ले लीजिए। जितने ज्यादा आप क्वेश्चन करोगे ऑब्जेक्टिव टाइप, उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा है, उस टॉपिक की जो पकड़ है वो और ज्यादा मजबूत आप लोगों के लिए हो जाएगी। ऐसे ही आप हर टॉपिक के लिए कीजिए, तो उस तरीके से आप लोग सिलेबस को कम टाइम में और ज्यादा एफिशिएंसी के साथ कवर कर सकते हैं। अगर आप जैसे मान लीजिए हायर एजुकेशन है, उसके लिए आप बुक में पढ़ते गए पढ़ते गए पढ़ते गए, उससे कुछ नहीं फायदा आने वाला। जितने ज्यादा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करोगे उतना ही आपको फायदा मिलेगा। यहाँ पे एक और चीज बता देता हूँ कि इतना वाइड सिलेबस है तो क्या हर टॉपिक के लिए इतना बड़ा आप करोगे, तो दोस्तों मैं आपके लिए एक वीडियो और ला सकता हूँ जिसमें मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दूंगा कि कौन से टॉपिक ऐसे खास हैं जिसको आप लोग पढ़ेंगे, जिसमें से हर साल एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर इस वीडियो पे लाइक्स आए और आप लोगों के कमेंट्स आए ऐसे कि हाँ सर हमें ऐसी वीडियो चाहिए, तो मैं आपके लिए वो वीडियो भी ला दूंगा जिसमें आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पता लग जाएंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक पता लग जाएंगे जिसमें से हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आने वाले टाइम में और भी इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों को इस चैनल पर देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे सिलेबस के लिए मैंने आपको बता दिया वाइड सिलेबस है, स्ट्रेटेजी के तहत यूट्यूब पे वीडियो देखिए, उसके बाद जितने हो सके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कीजिए, वहां पे आपकी तैयारी और ज्यादा बेहतरीन तरीके से हो सकती है। यहाँ पे दोस्तों चौथा पॉइंट हमारे पास में एनालिसिस का। दोस्तों एनालिसिस जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, हम डेली रूटीन में लाइफ जीते रहते हैं, अगर हम किसी भी चीज को देखकर क्वेश्चन नहीं उठाएंगे तो हम क्या सीखेंगे। ऐसे में दोस्तों अगर आप लोग नेट का एग्जाम दे रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि नेट के एग्जाम के अंदर किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और नेट जो है वो किस तरीके के आंसर्स की डिमांड करता है। दोस्तों हम लोग कई बार ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखते हैं तो उसमें से 20% क्वेश्चन ही ऐसे होते हैं जो कि डायरेक्ट होते हैं, जैसे मान लीजिए 2 + 2 कितने होते हैं, इसका डायरेक्ट आंसर है 4 होते हैं। लेकिन कई बार वो पूछता है जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन है उसमें चारों ऑप्शन दे दिए, चारों ऑप्शन ही उसके आंसर है, लेकिन आप लोगों ने मोस्ट सुटेबल उसके लिए आंसर चूज करना होता है। तो ऐसे में आप एनालिसिस करेंगे तभी आप लोगों को पता लगेगा कि नेट के अंदर किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैंने दोस्तों फर्स्ट टाइम जब इसको पास किया था 48 डेज में मैंने इसकी तैयारी की थी, ठीक है 48 डेज में मैंने तैयारी की थी, जिसमें से 15 दिन तो मैंने पिछले सालों के पेपर को एनालिसिस करने में लगा दिया। मैं अभी के लिए इनकम टैक्स असिस्टेंट और ऑडिट असिस्टेंट हूं। हम ऑडिट करते वक्त क्या करते हैं, हमारे सर हमें एक सिंपल सी बात कहते हैं कि आप पीछे देखो और आगे चलो। सुनने में बहुत हंसी आएगी लेकिन यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सूत्र हमारे सर ने हमको दे दिया कि आप पीछे देखो। पीछे देखो मतलब पिछले साल क्या कुछ आंकड़े हमारे को प्रोवाइड करवाए गए थे उस क्लाइंट द्वारा, ऐसे में हम पिछले साल को देखते हैं कि क्या कुछ इसका व्यापार था, क्या कुछ इसने पिछले साल गतिविधियां की थी, कितना कुछ प्रॉफिट आया था, कितना कुछ एक्सपेंस इसने दिखाया था, उसके आधार पर हम इस साल उसकी रिटर्न तैयार करते हैं, इस साल उसकी ऑडिट करते हैं। तो ऐसा ही दोस्तों आप लोगों ने करना है, पिछले साल के क्वेश्चन पेपर को उठाइए आराम से, 15 दिन मैंने लगाए थे, आप लोग 20 दिन लगाइए, एक एक घंटा डेढ़ डेढ़ घंटा आप एक एक पेपर में लगाइए, एनालिसिस कीजिए, आप उसको सोल्व करने की कोशिश करो, बिना तैयारी किए सोल्व करने की कोशिश करो। आप पॉइंट्स को नोट डाउन कीजिए, पहला क्वेश्चन आप लोगों ने किया वो गलत हो गया, क्यों गलत हो गया, नॉलेज की कमी थी। दूसरा क्वेश्चन किया वो भी गलत हो गया, क्यों गलत होगा, क्वेश्चन हमने ढंग से पढ़ा ही नहीं था, ठीक है ढंग से पढ़ा नहीं था इस कारण से गलत। तो दोस्तों इस तरीके से आप लोग अपने पास में पॉइंट्स को नोट डाउन करें कि आप लोगों ने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए ये आंसर दिया था, नेट ने इस क्वेश्चन के लिए ये आंसर दिया है, आपने ये आंसर क्यों दिया था, नेट ने ये आंसर क्यों दिया है,
इस चीज को जानने का प्रयास आप लोग करिए दोस्तों, इस चीज को जानने का प्रयास ही एनालिसिस है। तो आप लोग अगर एनालिसिस करेंगे तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा दोस्तों। आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आती है तो मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर ऑलरेडी प्रोवाइड करवा रखा है, 8114-76310। काफी फोन मुझसे यहाँ पे बात करते हैं, कुछ एक से तो मेरी फोन पे भी बात होती है, तो मैंने व्हाट्सएप नंबर भी आप लोगों को प्रोवाइड करवा रखा है। यहाँ पे आप लोग अपनी क्वेरी भेजिए, कुछ भी आप लोगों का सवाल है तो वो भेजिए, जल्दी से जल्दी आप लोगों को यहाँ पे रिप्लाई करता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे एनालिसिस कीजिएगा, पहचानिएगा, चीजों को पहचानने का प्रयास कीजिए, गैप को पहचानिए, और उसके बाद में दोस्तों उस पर आप लोगों ने सिंपली वर्किंग करनी है। यहाँ पे दोस्तों वीडियो लंबी हो रही है तो मैं थोड़ा जल्दी जल्दी यहाँ पे बता देता हूँ। प्रैक्टिस के लिए दोस्तों मैंने आपको बताया है कि आप लोग एक इंडिविजुअल टॉपिक के लिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कर ही लेंगे। तो दोस्तों सब इंडिविजुअल टॉपिक के लिए जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा, तो उन टॉपिक के लिए आप लोग देख लेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कर लेंगे। अब दोस्तों आप लोगों ने सिलेबस कवर कर लिया है, अब आप लोगों का काम है कि आप जितने भी हो उसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कीजिए। उसके लिए दोस्तों आप लोग मॉक टेस्ट देखिए, ऑनलाइन अलग अलग वेबसाइट्स पर जाके टेस्ट को दे सकते हैं, जो भी प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट है वहां से टेस्ट को अरेंज करके उनको दे सकते हैं। तो उसके बाद में दोस्तों आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस आप लोग करेंगे, जितने ज्यादा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आप लोग करेंगे, आप लोग हैबिचुअल हो जाएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के। दोस्तों आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन अगर आप लोग बहुत सारे अटेम्प्ट करते हैं तो आपके माइंड में एक मैप सा बन जाता है कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए जो आंसर है वो इस तरीके का होगा। तो ऐसे में यार एक बात है सिंपल सी कि किसी ने क्वेश्चन बनाया था, उस चारों ऑप्शन के अंदर से कोई ना कोई तो राइट आंसर उसने दिया ही है, तो आप लोगों ने काम करना सिर्फ उस राइट आंसर को पहचानने का। तो आप इतना काम कर सकते हैं अगर आप लोगों ने अच्छी खासी प्रैक्टिस कर ली हो। सिंपल सा लॉजिक है, अच्छी खासी प्रैक्टिस करो और इजीनेस के साथ आंसर को चूज करो। यहाँ पे दोस्तों अगला पॉइंट है कॉन्फिडेंस का। काफी स्टूडेंट्स का मेरे पास मैसेज आता है कि सर इस बार जो एग्जाम हुआ था शुरू के जो क्वेश्चन थे वो काफी टफ थे, तो 5-6 क्वेश्चन देखे हमने, हमें आए नहीं, हमें समझ में नहीं आए, तो हमारा कॉन्फिडेंस तो वहीं पे डाउन होगा कि इस बार का अटेम्प्ट तो गया भैया। तो ऐसे में मैं आप लोगों से कहूंगा कि नेट की ये स्ट्रेटेजी रहती है कि शुरू के जो 1 से 5 या 1 से 6 क्वेश्चन है वो थोड़े से टफ डाल देता है, थोड़े से घुमावदार डाल देता है, जिसमें लगता है स्टूडेंट को कि भाई इतने लेवल के क्वेश्चन तो मैंने किए ही नहीं, ये सब तो मेरे बस की बात नहीं है। वो अपने आपको इतना डाउन महसूस करता है, इतना मोरल वहीं पे डाउन कर लेते हैं कि बाकी जो क्वेश्चन है वो उसको वैसे ही टफ लगने लग जाते हैं। तो ऐसे में आप लोग अपने अंदर कॉन्फिडेंस बना के रखिए, कॉन्फिडेंस ही है जो आपको 50% तक नेट पास करवा के देगा, ठीक है। आपका कॉन्फिडेंस ही आपको 50% तक नेट पास करवा देगा, बाकी 50% आप लोगों की प्रैक्टिस ही काम आएगी। यहाँ पे दोस्तों कोचिंग के लिए मैं बताना चाहूंगा कि मेरा जो एक्सपीरियंस है आप लोग जानते हैं, मैंने काफी बार नेट के एग्जाम को क्लियर किया है। ऐसे में दोस्तों मैं अगर जॉब को कंटिन्यू करते हुए बिना कोचिंग के कर सकता हूँ तो आप तो मुझसे ज्यादा इंटेलिजेंट हैं। ऐसे में आप भी बिना कोचिंग के नेट के एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। ऐसे बेकार के यूट्यूबर से जो सिर्फ अपना कोर्स बेचना चाहते हैं, सिर्फ बिजनेस करते हैं, उन यूट्यूबर से आप बचिए, सेल्फ स्टडी कीजिए, मुझसे सवाल कीजिए, मुझसे आप लोग कहिए कि कौन से टॉपिक आप लोगों को चाहिए, वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा। और कोचिंग से दोस्तों आप लोग पैसा बर्बाद मत करो, आप खुद एक टीचर हो यार, आप खुद एनालिसिस कर सकते हो कि यह टॉपिक क्या है और इसमें से क्या पूछा जाते हैं। ऐसे में अपने अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप कीजिए और कोचिंग पे कम और सेल्फ स्टडी पे ज्यादा ध्यान कीजिए। उसके बाद दोस्तों टारगेट के लिए मैं आपको कहूंगा कि आप हमेशा अपना टारगेट जेआरएफ का रखिए। जेआरएफ का टारगेट रखेंगे तो आपकी नेट इजीनेस के साथ क्लियर हो जाएगी। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं कि अपने सब्जेक्ट को देखते हैं, उसके लिए उसकी मेरिट देखते हैं, जैसे मेरिट गई थी 60% की, ठीक है। अब वो 60% मेरिट किसकी देख रहे हैं, जेआरएफ की नहीं देख रहे, वो देख रहे हैं नेट की मेरिट, एपी की मेरिट देख रहे हैं। तो ऐसे में आप लोग अपना टारगेट ही छोटा रखेंगे, एपी का रखेंगे तो एपी अचीव नहीं होने वाले। आप अपने टारगेट को जेआरएफ का रखिए, जेआरएफ के लेवल के लिए स्टडी कीजिए, जेआरएफ के लेवल के लिए ही अपने आप को प्रिपेयर कीजिए, तो आपके लिए एपी बहुत छोटी मोटी चीज हो जाएगी। ये मेरा एक्सपीरियंस आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। उसके बाद में दोस्तों स्ट्रेटेजी यहाँ पे लिखी है मैंने, 9वां पॉइंट आप लोगों के लिए। स्ट्रेटेजी में दोस्तों ऐसा ही कहूंगा मैं आप लोगों को कि आप लोग स्ट्रेटेजी बनाइए। अगर आप लोगों ने जैसे बहुत सारी हाउसवाइफ से इस वीडियो को देख रही हैं तो मैं बताऊंगा कि सुबह उनको काम होगा या शाम को उनको काम होगा, तो जब भी उनको काम है वो अपने काम को करते रहें, कोई दिक्कत नहीं है। वो अपने लिए स्पेयर टाइम निकालें 2 से 3 घंटे का। दोस्तों ये सिंपल स्टूडेंट्स के लिए भी कह रहा हूँ, जिसके पास में कोई काम नहीं है उनके लिए भी है ये। 2 से 3 घंटे निकालिए, 2 से 3 घंटे के अंदर आपको कोई भी दूसरा काम नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ स्टडी करनी है, ठीक है। ये एक मेन पॉइंट है, नेट के लिए आपको रेगुलर स्टडी चाहिए, क्योंकि आप किसी चीज को पढ़ रहे हो नेट के लेवल की वो चीज है, ऐसे में आप कंटिन्यूस उस चीज को देखते हो तो आपको ज्यादा अच्छे से वो चीज समझ आती है। आपने 1 घंटा किसी टॉपिक को पढ़ा, फिर व्हाट्सएप चला लिया, फिर 1 घंटा पढ़ा, फिर फेसबुक चला ली, ऐसे टुकड़ों में पढ़ाई नहीं होगी। आप लोग रेगुलर स्टडी कीजिए, चाहे 2 घंटा कीजिए, पर आपने रेगुलर स्टडी में ही वो 2 घंटे डिवोट करने हैं। धीरे धीरे शुरुआत में कम आउटपुट मिलेगी, लेकिन आप जैसे जैसे
करते जाएंगे, जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपकी आउटपुट बढ़ती जाएगी। ऐसे में 2 घंटे के अंदर भी आप काफी कुछ सिलेबस को कवर कर लेंगे। तो ऐसे में मैं आपको कहूंगा, 2 घंटे का एक एग्जाम्पल है, आप 3 या 4 घंटे भी पढ़ सकते हैं। तो ऐसे में आप लोग 2 घंटे या 3 घंटे जो भी पढ़ते हैं रेगुलर पढ़िए, बीच में किसी भी तरीके की इंटरप्शन ना हो तो बहुत बेहतर रहेगा। उसके बाद दोस्तों 10वां पॉइंट यहाँ पे है कि आप लोग अपनी चॉइस के जो टॉपिक है वो मुझे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, फेसबुक पे कह सकते हैं, यूट्यूब पे कमेंट करके कह सकते हैं। जितने ज्यादा वोट मुझे किसी पर्टिकुलर टॉपिक के लिए मिलते हैं वैसे ही वीडियो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा। तो दोस्तों ये थी वीडियो आप लोगों के लिए। एक बार फिर से आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाले टाइम में और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों को इस चैनल पर देखने को मिलेंगे। साथ ही दोस्तों आप लोग इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन जरूर देखिएगा, वहां पे मैंने पेपर 1 के लिए जो नए टॉपिक जोड़े हैं उसके अलग प्लेलिस्ट, जो पुराने टॉपिक हैं उसके अलग प्लेलिस्ट, पेपर 2 कॉमर्स के लिए अलग प्लेलिस्ट, एथिक्स की, कॉस्टिंग की और कैपिटल बस्टिंग की, कॉस्ट ऑफ कैपिटल की, अलग अलग मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है। तो आप लोग उनका भी फायदा जरूर लीजिएगा। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो दोस्तों प्लीज लाइक कीजिए, आपका लाइक ही मुझे मोटिवेट करता है इसी तरीके से आप लोगों के लिए आने वाले टाइम में और इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आने में। इस वीडियो को देखने के लिए आप